इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 21 से देखेंगे, जो कि पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को बता दिया हूं, जो कि ऊपर आई बटन में दिया होगा, वहां पर जाकर आप उसे देख सकते हो। चलिए तो फिर प्रश्न क्रमांक 21 को देखते हैं। 21वां नंबर है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से संसरित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न 22 है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, वास्तविक और उल्टा। 23वां क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है? ऑप्शन दिया है आयरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, कार्निया द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सिलियरी पेशियों द्वारा ही नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। इसका राइट आंसर सी होगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। 24वां क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है? इसमें ऑप्शन दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, फिर 3 मीटर। तो किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली जो होता है परवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, परवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका ए राइट आंसर होगा, परवर्ती द्वारक की भांति ही आँख की पुतली कार्य करती है। 26वां क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, जो नेत्र का दूर बिंदु होता है कितना होता है? देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है। तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत पर होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, अनंत पर होता है। 27वां क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन दिया है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, सभी कथन सत्य है। तो सिनेमा के पर्दे पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। 28 क्वेश्चन है, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? इस क्वेश्चन को सामान्यतः सब लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। लाल रंग ही खतरे का निशानी माना जाता है, ठीक है, अतः इसका आंसर लाल रंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। 29वां क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है? तो इसमें ऑप्शन दिया है आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतरण विद्युत का, शक्ति का। तो किलोवाट घंटा मात्रक है एक, वो ऊर्जा का ही मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। 30वां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, जो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट जो होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन दिया है तांबा का, प्लेटिनियम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट ऑप्शन सी है, टंगस्टन। 31वां प्रश्न है, प्रतिरोधकता का मात्रक है? तो इसमें ऑप्शन दिया है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। इसका राइट आंसर ए है, ओम मीटर। 32 क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न किया जाता है उस युक्ति को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है ए मीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोला जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, जनित्र। 33वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है तो क्या लगा रहता है? ऑप्शन दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। तो जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होते हैं उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा रहता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, अवतल लेंस। 34वां क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा रहता है। इसका राइट ऑप्शन है सी, उत्तल लेंस। 35वां क्वेश्चन बोल रहा है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? जाता है, इसमें ऑप्शन दिया है बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, छोटा हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, छोटा हो जाता है। 36 क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है?
ऑप्शन दिया है, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। देखो, दूर दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, दूर की वस्तुओं को। 37 क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं। देखो ऑप्शन है, पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु। तो मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे अंध बिंदु कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, अंध बिंदु। 38 क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। इसका राइट ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया है, लाल, नीला, काला, पीला। तो उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा लाल रंग, ऑप्शन नंबर ए। 40वां क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। अंतर को पूछा है, इसमें ऑप्शन दिया है, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट और 3 मिनट। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। इसका राइट आंसर 2 मिनट है, ऑप्शन नंबर ए।